चीज मुनाफिक है गंदा है वल्ला जनाजत का करके बुलंदा है वल्ला जहन्नम के नाम इसका कुत्ता है वल्ला अब आशिक बोलेगा जो मुझे ना कहे तुझको ने फरमाया कि मेरी फातिमा ज़हरा औरतों की सरदार है, मेरी फातिमा ज़हरा औरतों की सरदार है। वह ऐसा कि एक दिन वे मांगने वाला आया उनके घर में बार में फातिमा ज़हरा बाली के अपने बच्चों के लिए माम हसन अलैहिस्सलाम माम हुसैन अलैहिस्सलाम कर लिए गाने का बंदोबस्त किया। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस रूठी को उठा के बाहर दे दिया, उस मांगने वाले को दे दिया। फिर जब वो दे दिए तो फिर एक और आ गया, जब बंदोबस्त किया तो एक और आ गया। वो तो जब वो चला गया तो एक और मांगने वाला आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया कि मेरी फातिमा ज़हरा औरतों की सरदार है, औरतों की सरदार है। क्योंकि तो जब तीसरी दफ़ा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बंदोबस्त किया तो एक तीसरा मांगने वाला आ गया, तो भी दे दिए। इतने में आ गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से बंदोबस्त कर दिए, खाने का बंदोबस्त कर दिए, इनके सामने रख दिया ना। तो उस टाइम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे फातिमा ज़हरा औरतों के सरदार हैं, औरतों के सरदार हैं। तो कहने का मतलब है कि हर वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में रखें। दुनाफी साहब ने तमाम जिंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पसंद किया और इबादत की है तमाम जिंदगी। इसलिए खुदावंद करीम ने दुनाफीर साहब पर फजल किए हैं, दुनाफीर साहब पर फजल किए हैं, दुनाफीर साहब पर फजल किए। दुनाफीर साहब जब पहले दफा 1952 में 1952 में हज पर गए तो खाना काबा के अंदर गए हैं। एक मौलवी रसूल भी साथ था और ड्यूटी वाले ने बोला कि आप यहाँ नहीं जाएंगे, दुनाफीर साहब ने आवाज को ये जाएगा। कहने का मतलब है कि दुनाफीर साहब पर खुदा का फजल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से और कोई वजह नहीं है। मेरे दुआएं है अल्लाह ताला आप सब पर फजल करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खुदा नसीब करे। अल्लाह ताला अपने फजल के और अपने रहमत के तमाम दरवाजे खोल दे। खुदा वो गरीब आप सबको 111 हज नसीब करे, 111 उम्र नसीब करे, और जिनके घर में तकलीफात है खुदा खत्म करे, जिनके घर में नमाज की गंदी है खुदा नमाज कायम करे, जिनके घर में
ये औलाद है खुदा उनको औलाद नसीब करे, घर में अदब में खुदा अदब नसीब करे, जिनके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है खुदा मोहब्बत नसीब करे। खुदा वो करीम आप सबको एक सौ ग्यारह हज नसीब करे, एक सौ ग्यारह उम्र नसीब करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खुदा नसीब करे। अल्लाह ताला अपने फजल के और अपने रहमत के सब दरवाजे खोले। एक दफा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इतने में एक आदमी आया कि हज़रत अबूबकर सिद्दीक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान अपने साथ बैठा दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुछ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم کے علاوہ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له بولتے ہیں، اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے اور اپنے رحمت کے سب دروازے کھولتے ہیں۔ میں دوبارہ بول رہا کہ جن کے گھر میں نماز کی کرنی ہے خدا نماز قبول کرے، جن کے گھر میں ادب نہیں ہے خدا ادب پورا کرے، جن کے گھر میں مطلب ہے مستورات، جن کے گھر میں بچے ہیں جوان ہیں خدا کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خدا اپنے پتہ کے اور اپنے رحمت کے تمام دروازے کھولے۔ میں آخر میں بول کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خدا نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دربار شریف کا جو عرصہ تین دن کا وہ ختم ہو گیا ہے، ابھی سب لوگ جا رہے ہیں، بس محفل بھی ہو چکی ہے تقریباً ابھی آدھا گھنٹہ پہلے محفل ختم ہوئی ہے، پیر صاحب نے دعا کی ہے تو ابھی سب جا رہے ہیں واپس۔ میں بس آیا تھا یہاں پہ وضو کرنے کے لیے اور نماز پڑھنی ہے بس۔